सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। आओ झुककर सलाम करें उनको जिसके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप क्या हो और कैसे दिखते हो, फर्क इससे पड़ता है कि आप क्या कर सकते हो। इतनी सी बात हवाओं में बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर की है जिसकी हिफाजत उन्होंने, ऐसे तिरंगे को हमेशा अपने दिल में बसाए रखना। गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का पंचांग 26 जनवरी 2021 दिन मंगलवार, पौष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, रात्रि 1:11 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आद्रा नामक नक्षत्र रात्रि 3:12 तक रहेगी। इसके उपरांत पुनर्वशु नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:22 से 4:44 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:17 से 1:01 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर रहेंगी। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेष राशि 26 जनवरी 2021 दिन मंगलवार, यह समय आपके लिए शुभ है। आपको विदेश जाने का मौका मिल सकता है। शिक्षक या सलाहकार यात्रा में आपको कंपनी देंगी। यह अपने विश्वासों का मूल्यांकन करने और नई संभावनाओं को देखने का शानदार अवसर है। समस्याओं की भी संभावना जैसे सामान का खोना आदि, इनके लिए भी तैयार रहें। लोग आपकी संगति का आनंद लेते हैं और आज आपके काम के प्रति कुशलता की मांग रहेगी। अपने उज्जवल विचारों से आप अपनी ही नहीं बल्कि अन्य लोगों की समस्याओं को भी हल करेंगी। याद रखें, अच्छे कामों का नतीजा हमेशा अच्छा ही होता है। सही दिशा में उठाया गया एक छोटा कदम भी बहुत बड़ा साबित होगा। आज आप खरीदारी संबंधित किसी ऑफर या लॉटरी खरीदने का जोखिम उठा सकते हैं। आपका भाग्य आपके साथ है, इसीलिए जीतने का अच्छा मौका आपके पास रहेगा। स्थिति आपसे अपने दृष्टिकोण पर दृढ़ बने रहने की अपेक्षा कर सकती है। आपके चुप्पी को गलत समझा जाएगा और उस पर सवाल खड़े किए जाएंगे। यही बेहतर होगा कि आप किसी को अपने खिलाफ राय बनाने का मौका ना दें। व्यस्तता के बावजूद आप अपने घर परिवार की खुशियों के लिए भी समय निकालेंगे। घर की देखरेख से संबंधित कुछ गतिविधियां होंगी। इस समय अपनी कार्य क्षमता पर पूर्ण विश्वास रखकर अपनी योजनाओं को कार्य रूप दें, अवश्य ही सफलता मिलेगी। पुराने मित्रों के साथ बातचीत बढ़ने की वजह से जो भी आपको भावनात्मक उलझन थी वह कम होने लगेगी। फिर से प्रेरित महसूस होने के कारण जो बातें आपने आधी अधूरी छोड़ दी थी उनको पूरा करने की कोशिश आपके द्वारा की जाएगी। स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव नजर आता रहेगा। काम से संबंधित कोई ट्रेनिंग पूरा करने की आपको आवश्यकता होगी, जिसके द्वारा नई बातों को जान लेना आपके लिए उपयुक्त रहेगा। पार्टनर में मतभेद कम होंगे, पेट से संबंधित समस्याएं कम होने लगेगी। विवाद में विजय हो सकती है। निजी जीवन झटका भी दे सकती है। यात्रा करने के बजाय टिक कर काम करें। जीवन साथी से संबंधित बात परेशान कर सकती है। सावधानियां, बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखें, क्योंकि डांट फटकार से उनके स्वाभिमान को ठेस लग सकती है तथा हीनता की भावना भी आ सकती है। कहीं भी वार्तालाप करते समय उचित शब्दों का प्रयोग करें। विद्यार्थियों का दोस्तों के साथ अधिक समय व्यतीत करने के कारण पढ़ाई में व्यवधान आ सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की।
पारिवारिक मामलों में ज्यादा हस्तक्षेप ना करें, इससे पारिवारिक वातावरण सुखद बना रहेगा, प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां बढ़ेगी। आज आपके दोस्त, सहकर्मी और जितने भी लोगों को आप जानते हैं, वे सब आपको इस बात के लिए अपनी अपनी राय देंगे कि आपकी लव लाइफ में कुछ रंग कैसे भरा जाए। अपने डेटिंग डेटाबेस को अपडेट करने के बारे में तो आप उनकी सलाह मान सकते हैं, लेकिन उनके बताए हुए फ्लर्टिंग टिप्स अपनाने से बचें। आप प्यार ढूंढ रहे हैं, इसीलिए अपने आप को किसी भी क्षणिक आनंद के मुंह में पड़ने से रोके रखें और प्यार पर ही फोकस रखें। आपका जीवन साथी आपके जीवन का वो गहना है जो सफलता के साथ साथ परेशानियों में भी आपका सहयोगी है। उसके लिए कुछ स्पेशल करना ना भूलें या साथ में अकेले कहीं घूमकर आए। दुर्घटनाओं या हानि से बचने के लिए सावधान रहें। आज के दिन आपके लिए शानदार है, जिसमें पूरी लाइमलाइट सिर्फ आपकी ओर ही है। आपका साथी आपके रोमांटिक कुशलता और आपकी कंपनी दोनों की तारीफ करेगा। आज आपका रोमांटिक मूड सुखद और रोमांचक होने के कारण प्यार के यह क्षण और भी यादगार बनेंगे। अपने प्यार को और गहरा बनाने के लिए प्रयास करें। बात करते हैं करियर की। अभी आपका पूरा ध्यान कानूनी मामलों और धन के मामलों पर है। थोड़ा सब्र रखें, क्योंकि आने वाला समय अच्छा भाग्य लेकर आएगा। आज आप पिता की तरह किसी सम्माननीय व्यक्ति के साथ सत्संग, प्रवचन या कॉन्फ्रेंस में जा सकते हैं। याद रखें, कल की तैयारी करने का सबसे अच्छा रास्ता है आज मेहनत करना। आपको ऑफिस के उस व्यक्ति के रूप में जाना जाता है जो हर परेशानी को दूर कर सकता है। सार्वजनिक संबंध अधिक समय लेते हैं, लेकिन उनसे अधिक फायदा होता है। आपके कार्य स्थल में विदेशी व्यापार या संबंधों की भी संभावना है और आप कुछ रोचक लोगों से मिल सकते हैं। कुशल बने ताकि आप अच्छे परिणाम पा सकें। आप अपनी नौकरी की शुरुआत में हैं, इसलिए आपको सीढ़ी पर अगला कदम रखने और पीछे चले गए पद को देखने की जरूरत है। इन स्थानों में भी की गई कोई गलती का भुगतान आपको बाद में करना पड़ सकता है। खुद के लिए कुछ प्रस्ताव बनाने के लिए समय निकालें। आपको विरासत में मिला धन का कुछ हिस्सा या पैसा प्राप्त हो सकता है। कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार का पेपर वर्क या ऑर्डर पूरा करते समय अच्छी तरह जांच पड़ताल करें। किसी भी प्रकार की लापरवाही ना होने दें। बात करते हैं सेहत की। आज आपका दिल किसी सामाजिक कार्य के लिए दान करने को करेगा। अपने दिल की बात सुनें और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। आपके आसपास कोई आज बीमार भी अनुभव कर रहा है, आपको इसकी काफी देखभाल करनी पड़ सकती है, लेकिन चिंता ना करें, आपकी उनकी मदद करने से आपका भी कुछ अच्छा ही होगा। आपको आज छोटे मोटे संक्रमणों से सावधान रहना होगा। आपके लिए अपनी खुद की या किसी करीबी की छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज करना भविष्य में महंगा साबित हो सकता है। आज का उपाय, आज शाम को आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।